की ओर। चार युवकों ने एक नाबालिग बालक के साथ किया अनैतिक काम। अधिवक्ता संघ ने विरोध कर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। महिंद्रा जेसीबी शोरूम में देर रात लगी आग। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। अब खबरें विस्तार से। जबलपुर में एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है, जिसमें चार युवकों ने एक नाबालिग बालक के साथ अनैतिक कार्य किया है, जिससे नाबालिग की हालत गंभीर हो गई। पीड़ित को जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। मामला गोरखपुर थाना के शारदा चौक का है। सोनू विश्वकर्मा राजा झारिया शुभम पटेल और सुदीप चढ़ान ने पड़ोस में रहने वाले नाबालिग को मदन महल की पहाड़ियों पर घूमने के बहाने बुलाया और चारों ने नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित नाबालिग अपने घर पहुंचा और उसने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई और गोरखपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। ये जो मामला है वो 377 का है। एक बच्चे के साथ अनैतिक व्यवहार किया गया, दुराचार किया गया है, जो अप्राकृतिक क्रिया के अंतर्गत आता है। इन चारों को अरेस्ट कर लिया गया है। ये भी एक चिंता का विषय है कि ये ऐसे मूल्य संस्कार जो हैं वो निश्चित तौर पे अपसंस्कृत की ओर हमें ले जाते हैं। तो हमने अपराध तो कायम कर लिया है, लेकिन हम स्कूल्स में जाके एक जागरूकता अभियान भी चलाएंगे, बच्चों में इस तरह की मानसिकता न पनपे और इस तरह की गतिविधियों में वो संलिप्त न हो। आयुक्त द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों को डायवर्टर जमीनों में नामांतरण के अधिकार तहसीलदारों को देने का आदेश जारी किया है। अभी तक ये कार्य भू अभिलेख अधीक्षक द्वारा किया जाता था। इस आदेश का अधिवक्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया। जिला कलेक्टर बार एसोसिएशन और जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने इस आदेश के विरोध में प्रदेश के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर भरत यादव को एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान दलालों पर भी कार्रवाई करने की मांग की है कि हमारे जो कलेक्ट्रेट में पूर्व से अनवरत व्यवस्था पर कई वर्षों से डायवर्सन की थी, जो जबलपुर में बहुत ही बेहतर तरीके से डायवर्सन का कार्य संपादित किया जा रहा था, जिसको CRR के आर्डर से आयुक्त ग्वालियर महोदय जी के एक आदेश से डायवर्सन शाखा को जबलपुर से विखंडित करके तहसीलदारों को तमाम प्रदान कर दिया जाता है। पहले से तहसीलदार नामांकन तो कर नहीं रहे हैं, उनके पास 200-400 केस पेंडिंग है, उसके बाद भी जबरदस्ती ये डायवर्सन शाखा को विखंडित करके तहसीलदारों को दिया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। इसके तह तक जाएंगे, मुख्यमंत्री को दिए हैं, ग्वालियर को दिए हैं और सब जगह पहुंचाएंगे। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। उसके अलावा तहसीलदारों की लड़ाई हम लोग पहले लड़ चुके हैं कि कलेक्ट्रेट को राजपथ के आधार पर विखंडित गलत तरीके से किया गया, शहर की तहसीलों को यथावत रखते हुए नई तहसीलें बनाना था तो तहसीलदारों की कमी थी, तो उन लोगों ने नई तहसीलदार जो हमारी कलेक्ट्रेट की एक बहुत बड़ी मिसाल थी उन तहसीलों को ले जा करके तमाम बांट दिए, अलग अलग जगह कर दिए हैं। इसी के साथ साथ कलेक्ट्रेट में समस्त तहसीलदारों के पास दलाल चरम सीमा पर हैं, जिसकी जांच के लिए हम लोगों ने शिकायत किया है। कोर्ट में सिर्फ दो व्यक्ति खड़ा होगा, या तो अधिवक्ता या तो वकील, तीसरा आएगा तो अब हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, कोई दलाल नहीं आएगा, हम लोग कोर्ट को दलाल मुक्त करेंगे। विनोद तिवारी एडवोकेट कोषाध्यक्ष कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन जबलपुर, धन्यवाद। जय अधिवक्ता। जबलपुर में देवताल स्थित महिंद्रा जेसीबी शोरूम में देर रात अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते चंद ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और मौके पर भगदड़ और अफरातफरी मच गई। घटना की सूचना तत्काल नगर निगम दमकल कर्मी को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल के चार वाहन मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारणों की जल्दी लगी है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। वहीं इस अग्नि हादसे में लाखों की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। तो फोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि जेसीबी महिंद्रा जो शोरूम है उसके बाजू में जेसीबी शोरूम है उसमें आग लगी है। तो सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे तो यहाँ के जो पीछे का गोदाम है वहाँ से धुआं निकल रहा था। तुरंत में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई, 4 से 5 फायर ब्रिगेड अपने पास हैं। प्रयास से आग बुझ गई है। अब इसका क्या नुकसान हुआ, आग कैसे लगी, वो तो जांच का विषय है। तो जांच के उपरांत कितने घंटे लग गया मैडम? करीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया आग को काबू पाने में।
ये लगभग 12-12 के बीच की घटना ताल के पास जो ताल के कब्रिस्तान के सामने जेसी शोरूम में आग लगी है। हम लोगों की गाड़ी तुरंत रवानी किए और एक गाड़ी में काबू पा लिया। थोड़ा उसके बाद और गाड़ियां लगी हैं, काम कर रहे हैं, आग ही काबू में। कितनी गाड़ियां अभी तक बुलवा दी? अभी हमने 4-5 गाड़ियां बुलवाई रही। आग लगने का क्या? तेज रफ्तार कार दुशास्त्री ब्रिज से मेडिकल की ओर जा रही थी, अचानक गड़ा राम मंदिर के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी में बैठी फैमिली के 4 लोग में से एक बुजुर्ग महिला गंभीर घायल हो गई, बाकी 3 लोगों को हल्की फुल्की चोट आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि बच्ची से बात करते समय अचानक कार डिवाइडर पर चढ़ गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। एक गश्त के दौरान हम निकल रहे थे तो वहाँ देखा कि एक स्विफ्ट गाड़ी थी डिवाइडर से टकरा गई है और 2-3 लोग घायल थे। फिर हालांकि स्थिति सभी सामान्य, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं है। उनके परिवारजनों से पूछा भी कि मेडिकल जाना चाहते थे, स्थिति ऐसी नहीं कि मेडिकल भेजा जाए। और परिवार में गाड़ी में करीबन 4 लोग बैठे हुए थे, माँ को थोड़ी गंभीर चोट है, बाकी तो सब ठीक है। और अब इस संबंध में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लोकल जबलपुर के अपने घर को लौट रहे थे और शायद बच्ची से बातचीत करते समय कुछ उनका अनबैलेंस होने से डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई है। अभी ठीक है, अभी सबकी स्थिति ठीक है, मेडिकल में भी कोई भर्ती नहीं है।